नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगातार तीन दिन से हो रही बारिश के चलते नगर के वार्ड नंबर 7 एवं 6 सबसे अधिक प्रभावित हैं। बारिश मुसीबत बनकर सामने आ रही है और लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। व्यवस्थित पानी की निकासी न होने के कारण ये स्थिति बन रही है। वार्ड नंबर 6 से निकलने वाले मोतिया नाले का ना ही गहरीकरण हुआ है और ना ही चौड़ीकरण, ना ही उसकी सफाई की गई है, जिस कारण से वार्ड नंबर 6 के निवासी सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस नाले को लेकर नगरपालिका की अनदेखी और उदासीनता सामने आ रही है। कितना नुकसान हुआ पानी से? सब नुकसान हुआ, कपड़ा भी नहीं गए, के कपड़ा भी कहीं नहीं बची, सब नुकसान हुआ। पीने की व्यवस्था? कितने बजे पीने की व्यवस्था? 9 बजे भरानी है। तो ये अभी उतरा है के पानी? हर साल ये स्थिति रहती है क्या? हर साल यही रहती है। नहीं तो ये क्या कारण है पानी आ जाता नाले का? कपड़े मपड़े भीग जाएंगे पानी में, और तो का है, खाए सामान है। तो ये कितने टाइम पे भरा गया था पानी? ये 11 बजे के आसपास, 11 सुबह 9:30 वो तो भरा, वो चालू तो सुबह से ही हो गया था। तो ये हर साल ये स्थिति रहती है? हाँ। नगर पालिका वाले अभी कोई आए या नहीं आए? नहीं आया, अभी बीच में हमने साफ किया था नाला। हाँ हाँ, तो अधिकारी अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो नाला चौड़ा और गहरा हो जाए फिर ये समस्या रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, वो तो क्या है, अतिक्रमण आदमी ने कर ली है, तो वो तो पानी तो हर साल आएगा, गहरा भी हो जाएगा तो कुछ कम आएगा। तो घर में लगभग कितने फीट पानी भर गया था? 1.5 फीट के आसपास पानी था, काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ, ये देख लो ना आप, खाने पीने की चीजें, कपड़े, बर्तन हट पर रख दिए थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दयालाल विश्वकर्मा। इस समय हम वार्ड क्रमांक 6 में खड़े हैं और ये मोतिया नाला मेरे पीछे। मोतिया नाले की इस बार नगर पालिका द्वारा सफाई नहीं की गई और कई बार यहाँ के रहवासियों द्वारा मांग की जाती रही है तो मोतिया नाले का गहरीकरण और चौड़ीकरण किया जाए, जिससे ये हर साल जो परेशानी होती है ये परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रहवासी, उनके 4-4, 5-5 फीट तक घर में पानी भर जाता है और प्रति साल उनके खाने पीने की चीजें सहित उनके कपड़े खराब होते हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वार्ड के पार्षद द्वारा कई बार लिखित में दिया जा चुका है, लेकिन नगर पालिका परिषद के कान पर जू तक नहीं रहेगा। इस बार फिर रात भर की बारिश में पूरे घरों में पानी भरा और लोगों का काफी नुकसान हुआ। फास्ट समाचार के लिए गंजवाड़ा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।